जम्मू कश्मीर के बटाल क्षेत्र में आज तड़के एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक जवान घायल हो गया। सेना ने इस एनकाउंटर के दौरान घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। यह जम्मू में पिछले 24 घंटे में दूसरा हमला है जिससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बटाल क्षेत्र में तड़के करीब 3 बजे संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि देखी गई। सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू की गई। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। बताया गया कि सेना ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। जम्मू क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में यह दूसरा हमला है। इससे पहले कल रात भी आतंकियों ने एक और हमला किया था जिसमें सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। लगातार हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सेना की मुस्तैदी और तत्परता की सराहना की है। उन्होंने सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर के बटाल में आज हुए एनकाउंटर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एक जवान घायल हो गया। पिछले 24 घंटे में यह दूसरा हमला होने से सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया गया है।